सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी टेस्ट टुडे और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेस्ट टुडे में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग रेगुलर साइंस का टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं और आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन को हम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो कम से कम 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए, तो आंसर देने का प्रयास जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकुलर, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। और देखिए, अल्बर्ट आइंस्टीन किसकी, तो यह सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादन किए थे, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो देखिए यह पेनिसिलिन की खोज किए थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और देखिए फ्रेंड्स, गैलीलियो टेलीस्कोप का आविष्कार किए थे, गैलीलियो। और देखिए, इसका एक इंपॉर्टेंट है, गति के जड़त्व का नियम का भी प्रतिपादन किए थे, गैलीलियो। और फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने दिया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो देखिए फ्रेंड्स, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात जोसेफ लिस्टर, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, जोसेफ लिस्टर। और देखिए फ्रेंड्स, जो जोसेफ प्रिस्टले हैं ये किसका खोज किए थे? तो देखिए फ्रेंड, यह ऑक्सीजन की खोज किया थे, जोसेफ प्रिस्टले। और देखिए फ्रेंड्स, जो रॉन्टजन है यक्ष कीड़ों की खोज किए थे। और देखिए फ्रेंड्स, जो रॉबर्ट हुक हैं, तो कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे, रॉबर्ट हुक। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और देखिए, हरगोविंद खुराना ये आनुवंशिकी कोड की खोज किए थे, सबसे इंपॉर्टेंट है, हरगोविंद खुराना आनुवंशिकी कोड का खोज किए थे, इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, ई बराबर MC² का प्रतिपादन किसने किया था, जिसको हम सापेक्षता का सिद्धांत भी कहते हैं? तो यही बात है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ई बराबर MC² का प्रतिपादन अल्बर्ट आइंस्टीन ने, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। बस आप क्वेश्चन को समझते चलिए फ्रेंड। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को बताए थे ऊपर, पेनिसिलिन की खोज, गैलीलियो को भी बताए थे, टेलीस्कोप की खोज, तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो अभी बताए हैं फ्रेंड्स, आइंस्टीन ने, तो कन्फ्यूज मत होइएगा फ्रेंड। आप पूरा वीडियो देखेंगे, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे आपका। और देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जिसको इसरो कहा जाता है, वो कहाँ पे स्थित है फ्रेंड्स? तो देखिए फ्रेंड्स, इसरो बंगलोर में स्थित है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर बेटन रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए, चंद्रशेखर बेटन रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला था, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स,
परमाणु के नाभिक की खोज, यहाँ पे खोज रहेगा फ्रेंड, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो खोज किसने की थी? तो देखिए फ्रेंड्स, परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। और देखिए फ्रेंड्स, चैडविक न्यूट्रॉन की खोज किए थे, चैडविक, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने के द्रव्यमान को कहा जाता है, तो इसका एक नाम है फ्रेंड्स, तो देखिए 1.4 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए, क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज जगदीश चंद्र बोस, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, तो इसने खोज किया किए थे, जगदीश चंद्र बोस ने क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किए थे, तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी कृति है, मतलब किसकी रचना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, रचना से तो एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे देखने को। तो देखिए फ्रेंड्स, द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस की रचना जो है मेघनाथ साहा ने किए थे, तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, मेघनाथ साहा। और देखिए फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, चेचक के टीके की खोज किसने किया था, मतलब कौन से वैज्ञानिक ने किए थे चेचक के टीके की खोज, इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए, चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, एडवर्ड जेनर। और देखिए फ्रेंड्स, जोसेफ इस्टले के बारे में बताए थे ऑक्सीजन की खोज, विलियम हार्वे के बारे में देख लीजिए फ्रेंड्स, अच्छे समझ लीजिएगा, रक्त परिवहन की जो खोज किए थे विलियम हार्वे, रक्त परिवहन की खोज। और देखिए फ्रेंड्स, जोसेफ लिस्टर से क्वेश्चन ऊपर देखने को मिला था आपको, तो एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किए थे, तो जोसेफ लिस्टर। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको अच्छे से बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा, तो आर्यभट्ट ने बताए थे, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, आर्यभट्ट। और बाकी ऑप्शन के बारे में बता चुके हैं फ्रेंड्स। और हमारा अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो अभी ऊपर बताए थे फ्रेंड्स, शायद आपको याद ही होगा अगर अच्छे से देख रहे होंगे तो आंसर जरूर बता देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, जेम्स चैडविक ने खोज किए थे। और देखिए फ्रेंड्स, जो न्यूटन थे वो गति के नियम का प्रतिपादन किए थे, गति के नियम की खोज किए थे, तो इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो देखिए परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन, तो ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा, तो जॉन डाल्टन ने किया था। और हमारा अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस की रचना किसने किया था, तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। तो देखिए, द ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस, तो यह चार्ल्स डार्विन की रचना है, तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। और देखिए फ्रेंड्स, मैडम क्यूरी यह रेडियम की खोज की थी, मैडम क्यूरी।
तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, तो ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में किसने खोजा? तो देखिए, हाइड्रोजन को तत्व के रूप में हेनरी कैवेंडिश, तो ऑप्शन हमारा सी से हो जाएगा, हेनरी कैवेंडिश ने खोजा था। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन, रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? इम्पोर्टेंट है को फ्रेंड्स। तो देखिए, इस क्वेश्चन में हमेशा फ्रेंड्स कंफ्यूज रहते हैं कुछ लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे, अभी ऊपर बताए भी थे, तो विलियम हार्वे ने खोज किया था रक्त परिवहन की खोज। और देखिए फ्रेंड्स, और लैंड स्टीनर, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। देखिए, यह रक्त समूह, रक्त जो ब्लड ग्रुप है उसका खोज किए थे लैंड स्टीनर। ब्लड ग्रुप जैसे AB, AB O, जो जो खोज किए थे, तो लैंड स्टीनर ने खोज किया था ब्लड ग्रुप। तो कन्फ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को अच्छे से समझ लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, एक्सरे की खोज किसने की थी? तो देखिए फ्रेंड्स, एक्सरे की खोज रॉन्टजन, तो ऑप्शन हमारा बी से हो जाएगा, तो रॉन्टजन ने खोज किए थे।